थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया देखने का, हमें कॉल करने का। 03422075142 यहाँ कॉल करने का नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आप हमसे ईदी चाहते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता मैं अनाउंस करना शुरू करूंगा। हो सकता है हम आपको जहेज दे दें, हो सकता है हम आपको मेकअप, ब्राइडल मेकअप दे दें, हो सकता है हम आपको पार्टी मेकअप दे दें। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दें, जहां से आप जाके ये काम सीख सकें, पूरी एक साल की ट्रेनिंग हो और हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दें, उसके बाद आप अपना सैलून खोल सकें। साथ साथ कैश ईदी का सिलसिला भी है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रिवील करूंगा बाय द एंड ऑफ दिस वीक एंड ऑफ कोर्स स्टार्टिंग टुमारो, स्टार्टिंग मंडे आई थिंक हम आपको तमाम की तमाम चीज़ें जो है ये बताना शुरू करेंगे। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, एवरी सिंगल कॉलर आज कुछ ना कुछ हमसे जरूर लेके जा रहा है। आयशा ने आपसे थोड़ी देर पहले जब कॉल किया था, उन्होंने कहा सर भाई मुझे आपसे सूट चाहिए, तो मैं आयशा को अपनी तरफ से ये सूट दे रहा हूँ। नज़ीर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, नज़ीर साहब की एक बेटी जो है साहबजादी, उनकी शादी हो चुकी है, चार बेटियाँ जो हैं वो नज़ीर साहब की अभी बाकी हैं, और ऑफकोर्स दो बेटे हैं, बड़ा बेटा पिंडी के अंदर रावलपिंडी में मजदूरी करते हैं, और क्या नाम है उनका, मोहम्मद सगीर साहब, वो अगर पिंडी में हमको देख रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम सगीर साहब, एंड जो भी हमको पिंडी में देख रहा है अस्सलाम वालेकुम। एंड देन इसके अलावा आपके जो छोटे बेटे हैं वो पढ़ते हैं कौन सी क्लास में, वो टू में, क्लास टू के अंदर है। क्लास टू के अंदर इनके जो छोटे साहबजादे हैं वो पढ़ते हैं। एक टेलीफोन कॉल लाइन पे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं नज़ीर साहब के लिए, पर लेट्स टेक अ फोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आई थिंक कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। अच्छा जी, अब एक सिलसिला ऐसा है कि नज़ीर साहब का एक इशू है, और जाहिर इशू है कि इनको ईद मनानी है, हम सबको, हम सब की तरफ से नज़ीर साहब को ईदी देनी है। हम आपको ईदी दे सकते हैं सर? क्यों नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं पक्का। अच्छा ये बताएं, सीटें रोकने के लिए आप पैसा लेते हैं? सीटें रोकने वाला जो आज रोजा है आपका? ये रोजा, अल्हम्दुलिल्लाह रोजा है। सीटर रोकने का जो था वो पहला जमाना खत्म हो गया, हम खुद भेजते थे, ब्लैक करते थे, ये नहीं कि सीट जब ओपन थी गाड़ी तो अब नहीं है वो, तो अभी ज्यादा दौर था कि ये ओपन थी गाड़ी, उसके बाद जो है ना सब बुक होती है, अब हर सीट बुक होती है, अब बड़ी सीट बिक चुकी है। हाँ। अच्छा, मेरी तरफ से ईदी हजरत पेश कर, रख लीजिए, हम इकट्ठा करके दे देंगे, नकद सौदा, नकद सौदा। अच्छा जी, नकद सौदा, ये आपकी, ये आपके लिए ईदी, इसको रख लीजिएगा। प्रोग्राम के बाद हम डेफिनेटली, मिसेज आमिर की कॉल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी जी, साहिर बोल रहा हूँ, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ, आपका शो बहुत पसंद आया हमें। थैंक यू। मैं अपने कारोबार के बारे में बात करना चाहती हूँ, हमारे घर में बहुत ज्यादा टेंशन है। ओके। और 3 माह से हमारा कारोबार बंद है। ओके। और इस्तखारा करवा दें कि हमें क्या करना चाहिए। ऑलराइट। और आपके हस्बैंड का नाम क्या है? कारोबार जो करते हैं उनका नाम बता दें। आमिर साहब। आमिर जान, आमिर साहब का। ओके। वालदा का नाम उनकी, और उनकी वालदा का नाम? खुर्शीदा बेगम। खुर्शीदा बेगम। बंदिश के मसाइल हैं कुछ इनके साथ। अच्छा, इन पे भी असर? बंदिश, बंदिश है। रिस्क की वज़ाइफ बता देते हैं, आप वज़ाइफ पढ़ें इंशाअल्लाह, जो अल्लाह तबारक तआला फजल फरमाएगा। सबसे पहले तो मुअव्वज़तैन 101 बार पढ़कर पानी पे दम करके आप खुद भी पिए और अपने शोहर को भी पिलाएं, और उसके अलावा उनको ये कहें कि सूरह तौबा की आखिरी दो आयतें 101 बार सुबह और 101 बार शाम को, यानी फजर और मगरिब के बाद 101 बार सूरह तौबा की आखिरी दो आयतें लक़द जाअकुम से शुरू हो रही है और आखिर में खत्म हो रही है, इनको पढ़ें इंशाअल्लाह ज़रूर कदर बेहतरी आ जाएगी। और एक बात बता दीजिए, सूरह फलक और सूरह नास, मुअव्वज़तैन इनको कहा जाता है, सूरह फलक और सूरह नास जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल ही इसी वजह से हुई थी, जादू की काट के लिए। अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि देखिए जो भी ज़ाहिर इस्तखारा तो मशवरे को कहते हैं, आपकी मर्जी में आप करें या ना करें, तरीके होते हैं। ये मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ कि देखिए हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं, किसी चीज में हिम्मत नहीं आनी है, प्रैक्टिकल चीजें करनी है, बहुत प्रैक्टिकल। साहिर भाई ये दुनिया वैसे ही आजमाइश का घर है, मुख्तलिफ तरीकों से आजमाइश आती है, हिम्मत हारने की तो कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब आप कुछ बताएंगी कि अगर आदमी का हाजमा खराब हो तो भी कारोबार पर असर पड़ता है?
मेरी वो दुकान वो ग्राहकों से अच्छी तरह बात नहीं करेगा, नहीं खिलाफ उसका सही नहीं होगा, असर पड़ेगा। वैसे भी अच्छी चीज है, इनको अपनी सेहत का भी ख्याल करना चाहिए, रवैयों का भी ख्याल करना चाहिए। हर चीज इत्तेदाल में करेंगे तो वही बात है कि सही कह रहे हैं। असल में जब आदमी किसी चीज को कंसीव कर लेता है तो फिर वो नेगेटिव नेगेटिव फंक्शन करता है। लेकिन पता नहीं, पता है हम लोग सब बात करते हैं, हम लोग बहुत बहुत ज्यादा इस बात पे बिलीव करते हैं कि हम लेक्चर्स दें। मैं लेक्चर देने की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ जैसे आप लोग हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे भी वही प्रॉब्लम्स हैं, मेरी भी वही कमजोरियां हैं जो आप सबकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आप सबकी कमजोरियां हैं। मुझे भी गुस्सा आता है, मैं किसी चीज से मुबर्रा नहीं हूँ, मैं कोई होलियर देन दाव होने का वादा नहीं करता और दावा नहीं करता। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि जिंदगी ऐसे ही है, इट्स अ रोलर कोस्टर, ये कभी अच्छी होगी कभी बुरी होगी। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि मैं उतना ही अच्छा हूँ जितने अच्छे आप हैं, मैं उतना ही बुरा हूं जितने बुरे आप हैं। Forget about people saying कि हमने ये करना, because हम उस सिचुएशन में नहीं है, हमें नहीं पता। अगर हम उस सिचुएशन में होते तो हम भी वही कर रहे होते जो आप कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी करता हूं, सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यकीन रखिए खुदा पे, यकीन रखिए अपने आप पे, एंड जस्ट कीप वर्किंग एट इट। सब ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। नथिंग इज एवर गोइंग टू गो रॉन्ग, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर गॉड, अपने खुदा पर यकीन कीजिए। मैं कसम खा के कहता हूं, हम में से कोई यहां पर दावा नहीं कर सकता कि वो हम में से बेहतर है, इसका इख्तियार सिर्फ खुदा को है। एंड बिलीव यू मी, दुनिया में जो शख्स आपको लेक्चर देता है, नसीहत देता है, अगर वो अपने गिरेबान में झांकेगा ना तो वो वैसा ही होगा। वो उन हालात में शायद आपसे बुरा अमल इख्तियार करे, लेकिन चूंकि वो हालात उस पर नहीं गुजर रहे, इसलिए हम सब, मैंने एक जगह पढ़ा था बचपन के अंदर तो मुझे वो शेर याद रह गया, हक की तनकीद तुम्हें है मगर इस शर्त के साथ, हक की तनकीद तुम्हें है मगर इस शर्त के साथ, जायजा लेते रहो अपने गिरेबानों का। सो इशू इज कि हम बैठ के यहाँ तनकीद तो कर सकते हैं, कह तो सकते हैं, हम सबके लिए बहुत आसान है ये कहना कि तुम ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अगर मैं होता तो मैं ये करता, गेस व्हाट, यू नो, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार। वो क्यों जा रहा है, हम क्यों नहीं जा रहे? क्वेश्चन दूसरी बात, आपने एक बात कही, ये दुनिया जो है ये क्रिकेट का ग्राउंड है, मैच हो रहा है, कभी बॉलिंग होगी कभी बैटिंग होगी, तो फील्डिंग करनी पड़ेगी, और जिस दिन आप की जरूरत नहीं रहेगी ना, वो आपको उस ग्राउंड में छोड़ेगा नहीं, एक दिन भी वापस बुला लेगा। जी हां, मैं आपकी बात की तारीफ कर रहा हूं। आप तो, आपने तो कुछ और बात की है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो पवेलियन की तरफ देख रहा हूं, वहां कौन-कौन बैठा है। वाह वाह, छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक।